एक मार्कंडे नाम के महात्मा नहा रहे थे गंगा जी पर, बड़े बड़े महात्मा नहाने आते। तो एक बार मार्कंडे जी महाराज घाट पर नहा रहे थे और उसी समय बनारस की एक नर्तकी आई, वो भी वहीं नहा रही थी। और नहाने के बाद में नर्तकी ने जरा अपना कपड़ा निचोया और मार्कंडे ऋषि को छींटा लग गया। उनने आंख दिखाई लाल की, देख नहीं रहे बाबा नहा रहे हैं, अपने कपड़ा तो निचो रही है। उन्होंने कहा मार्कंडे जी आप महान हो लेकिन आप क्या दिखा रहे हो, मैं नर्तकी हूं काशी की लेकिन बाबा की इतने दयालु है पंडित जी, जहां मर के आप जाओगे वहीं मैं आऊंगी मर करके, ये काशी है काय आंख दिखा रहे हो, या तो नाचने वाली को भी वही मिलेगा जो पंडित जी को मिलेगा। मार्कंडे ऋषि की गड़बड़ हो गई, उन्होंने कहा लो जब नाचने वाली को भी शिव वही देंगे और एक तप करने वाले साधक को वही देंगे तो नहीं रहेंगे हम भी काशी में, काशी छोड़ के जाने लगे। तब भगवान शंकर प्रकट हुए ब्राह्मण के वेश में, क्यों मार्कंडे जी गुस्सा हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं होंगे, कीड़ा मकोड़ा मरे तो भी वैकुंठ, पंडित जी मरे तो भी वैकुंठ, ऐसा क्या काशी में? भगवान ब्राह्मण ने समझाया, देखो जो लोग ब्राह्मण होते हैं तप करते हैं साधना करते हैं काशी में, भगवान शंकर उनका सम्मान करते हैं। अब ये नाच गाना कर रहे हैं और कर रहे हैं तो ये क्या है, भगवान शंकर उनका भी सम्मान करते हैं क्योंकि सूर्य नारायण सबको प्रकाश देते हैं, ये शिव की महानता है, ऐसा विचार करो। मार्कंडेय ने कहा इतना बढ़िया आप समझाने वाले आप कौन हो? तो उसी समय में शंकर जी प्रकट हो गए और काशी के बाहर मार्कंडेय भाग कर गए, कहां भैया हो? बोले मार्कंडेश्वर महादेव की जय हो। आप काशी से जब जाओगे ना गोरखपुर तो बीच में कैथी आएगा, कैथी अपने तो जाते रहते काशी में इतने सालों से रोज जाते, वहां पर कौन से महादेव है? बोले मार्कंडेय महाराज की जय हो।